सो गाइस, हाउ टू प्रमोट एफिलिएट लिंक्स फॉर फ्री विदाउट हैविंग वेबसाइट। बिना वेबसाइट के आप अपने एफिलिएट लिंक्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? काम हमें बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे कोई वेबसाइट पर करता है, या फिर जैसे वेबसाइट पर करना चाहिए उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे पूरा। और रिजल्ट जो रहेंगे, आप वेबसाइट अगर आप बनाते हैं, अपना डोमेन नेम लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं, अपना नया एक वेबसाइट सेटअप करते हैं, उससे जल्दी और उससे बेहतर रिजल्ट आप इस स्ट्रेटजी से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड रहने वाला है, बस आपको वीडियो को आराम से देखना है। और यही प्रोफेशनल वे है अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं क्लिकबैंक के मार्केट प्लेस पे हूँ और ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आप किसी भी एफिलिएट नेटवर्क के किसी भी एफिलिएट प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है और कोई भी हम टूल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, यानी कि कोई भी हमें पेड टूल यूज नहीं करना है और ना ही हमको इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैंने प्रोडक्ट पहले से देखा हुआ है तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। ये है एजलेस नीस, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एजलेस नीस। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। एंड अगर इस प्रोडक्ट की आप ग्रेविटी वगैरह देखोगे तो ठीक ठाक एवरेज ग्रेविटी है और अच्छा खासा कमीशन भी है इस पर अगर आप देखोगे। ठीक है, बट मैं इसको इसलिए नहीं ले रहा कि इसका कमीशन अच्छा है या ग्रेविटी अच्छी है, ये टॉपिक अच्छा है, ये एक नीच अच्छा है, माइक्रो नीच कह सकते हो आप लोग। नीच के लिए बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा जिन पर बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है, बहुत ही कम कॉन्टेंट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके सेल्स पेज पर। ऑब्वियसली आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसको आप अच्छे से स्टडी करो, उसका सेल्स पेज देखो, बस इतना काम आपको करना है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो वेबसाइट पे अगर आपको काम करना है या उस तरीके से आपको काम करना है तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इसके रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। तो ये नीज पेन पर बना हुआ पूरा प्रोडक्ट है, यानी कि नीज पेन के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हो सकती हैं, जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप देखो काफी अच्छा सेल्स पेज भी है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है और उसके रिलेटेड क्या क्वेरीज हो सकती हैं लोगों की, यानी कि उसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या हो सकती है, तो अभी हमें सिंपल से देख के इस प्रोडक्ट को ये पता चला है कि भाई ये तो जॉइंट पेन के लिए, या कह सकते हो जो नीज में प्रॉब्लम्स रहती हैं, पेन होता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट है। तो आपको क्या करना है सिंपली, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको करना है उसके लिए कीवर्ड रिसर्च, ताकि आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिले। और आप इसके लिए कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हो। आपको पता होगा कैसे यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है और इस पर बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया कैसे इसका यूज करना है। आपको सिंपली इधर आना है, डिस्कवर कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। एंड गाइस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोकेशन देखो, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, मैंने यहाँ पे लोकेशन रखी है, तीन कंट्रीज आप रख सकते हो अगर आपको टॉप टीयर टारगेट करना है। उसके बाद आपको अपना कीवर्ड इधर डालना है। तो हमारा जो कीवर्ड है वो है नीज पेन। ठीक है, तो ये सिंपल सा कीवर्ड मैं इधर डालूंगा और इसको गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हजारों कीवर्ड्स है। अब सिंपली आपको क्या देखना है, इनका कंपटीशन देखो और इनका सर्च वॉल्यूम देखो। 100K से लेकर के 1 मिलियन तक सर्च वॉल्यूम है इसका मंथली, और कंपटीशन लो है। देखो कितने सारे कीवर्ड है, सबका कंपटीशन लो है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे पेन बिहाइंड नीज, नीज पेन वैन वॉकिंग, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिलेंगे। और जैसे कि यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीज पेन आफ्टर रनिंग, इसके अलावा नीज पेन वैन बेंडिंग नीज, नीज पेन वैन स्काउटिंग, नीज पेन ऑन इनसाइड ऑफ नीज, जिसका कॉम्पिटिशन लो है और ये नॉर्मल क्वेरीज हैं, लोग इसके बारे में सर्च करते हैं गूगल में। ठीक है, तो ये देखो बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, नीज पेन फ्रॉम रनिंग। तो ये आपको सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि आपको यही कीवर्ड लेने हैं या फिर यही प्रोडक्ट प्रमोट करना है। आपका प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, आप इसको समझो कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, लोगों की क्वेरीज क्या है। यहाँ से जितने भी ऐसे कीवर्ड हों जिनका कंपटीशन लो हो और इधर ट्रेंड अच्छा खासा दिख रहा हो तो आप उसको ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक माइक्रो निच की तरह है पूरा, ये जो टॉपिक है ना अपना, जो अभी अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं नीज पेन, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निच भी है। यानी कि आप ऐसे जो टॉपिक होते हैं जिन पे ऐसा सर्च वॉल्यूम होता है, उन पे आप प्रॉपर एक अपना वेबसाइट भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, जिसमें कि आप केवल उसी टॉपिक पे बात करते रहो, उसके रिलेटेड ही कंटेंट डालते रहो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर अपने पास कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ से ना मैंने एक कीवर्ड निकाला है, यहाँ पे आप देखो बहुत ही सिंपल सा कीवर्ड है, नीज पेन, यहाँ पे आप देख सकते हो नी पेन वेन बेंडिंग नी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कीवर्ड है और जनरल क्वेरी है, किसी को भी हो सकता है ऐसा, तो वो गूगल में सर्च करेगा। तो ये हमने कीवर्ड निकाला है। अब आपको इसके लिए बनाना है कंटेंट, और इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ा उसको ऑप्टिमाइज करना, यानी कि जो वो डेटा आपको देगा चैट जीपीटी लिख के,
उसको ऑप्टिमाइज करना, उसका एसईओ करना, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना, और विजुअल्स यानी मीडिया जो है आपका, चाहे वो उसमें वीडियो आप ऐड कर रहे हो, चाहे आप उसमें इमेज ऐड कर रहे हो, उसको अच्छे तरीके से यूज करोगे तो एक प्रॉपर आर्टिकल बन जाता है और वो गूगल में रैंक कर सकता है। और मैंने बहुत सारे आपको लाइव एग्जाम्पल उसके दिए हैं, ठीक है। तो अभी हमें इस पर बनाना है कॉन्टेंट, और मैंने आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर किया हुआ है जिसमें आपको प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखना पड़ता। तो कैसे उसका यूज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है तो आपके सामने ये ऐसा मिलेगा। अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है, आप जाकर के सर्च कर सकते हो चैनल पे, ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट जनरेटर नाम से ये वीडियो का टाइटल होगा। तो यहाँ से आने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी राइटिंग पे क्लिक करना है, एंड जो सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है इसके अंदर आपको ब्लॉग राइटिंग चूज करना है, एंड जो फोर्थ ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको चूज करना है जनरेट कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम टॉपिक, इसको आपने सेलेक्ट करना है, और आपका जो भी कीवर्ड होगा उसको इधर टॉपिक में पेस्ट करना है, और इधर कितनी हेडिंग आपको आर्टिकल में चाहिए वो आपको रखना है, एंड सिंपली एग्जीक्यूट पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखो एग्जीक्यूट पे क्लिक करते इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है, बट मैं इसको यहाँ पे पॉज करूंगा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है सेम इसी मेथड से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली वो प्रॉम्प्ट थी। अब इसका आर्टिकल की क्वालिटी देखो आप, पहले टाइटल देखो आप, नी पेन वेन बेंडिंग अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट एंड रिलीफ। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छा है। उसके बाद ये हेडिंग्स देखो, बहुत अच्छी हेडिंग्स इसने यूज की हैं, कॉमन क्यूसेस ऑफ नीज पेन वेन बेंडिंग, है ना, सिम्टम ऑफ नीज पेन वेन बेंडिंग। तो काफ़ी अच्छा इसने आर्टिकल लिख के दिए, देखो इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है ये देखो। तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये टूल कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपको यूज करना है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये वाला थंबनेल है, इसको आप देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो आर्टिकल अब हमारे पास है, अब इसमें ऐसा नहीं है, अब हमने ये देखो अगर कीवर्ड रिसर्च हमने किया है ना, तो अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेना चाहते हो आप बिल्कुल वैसे काम आपको करना है जैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट पर काम कर रहे हो, तो आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल आपको लिखने होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आर्टिकल आप लिखोगे। तो जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको सही लगते हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हो आप, डेली 8 से 10 आर्टिकल आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। इसमें तो कोई एफर्ट भी नहीं है, यानी कि हमें तो सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, वो भी हमें खुद नहीं लिखना है, और ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से क्वालिटी आर्टिकल मिल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से 8 से 10 आर्टिकल जनरेट करोगे। तो अब आर्टिकल तो हमारे पास है, अब जो टॉपिक हमारा वो ये है कि बिना आप खुद की वेबसाइट बनाए किस तरीके से इस कंटेंट को पब्लिश करोगे, कहाँ पर हमें पब्लिश करने हैं, जिससे कि आपको अपनी खुद की अगर आप वेबसाइट बनाएं तो उससे भी फास्ट आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो अथॉरिटी है वो बहुत ही पावरफुल है। आपका कॉन्टेंट यहाँ पर अगर आप पोस्ट करोगे, एक आप खुद की नई वेबसाइट बना के पोस्ट करोगे, तो ये वाला कॉन्टेंट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि शुरू में जब आप वेबसाइट बनाते हो तो उसकी जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल लो होती है, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको, तब जाके वो रैंक करता है। बट जो वेबसाइट जो प्लेटफॉर्म हम यूज करने वाले हैं वो ऑलरेडी बहुत ही नॉन प्लेटफॉर्म है और उसकी अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं गूगल साइट का। इसमें प्रॉपर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, और अगर आप लोग चाहें तो इसमें डोमेन नेम भी ऐड कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप बिल्कुल भी कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बिना डोमेन के भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, sites.google.com पे आपको आना है, और यहाँ पर ब्लैंक वेबसाइट इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऑब्वियसली आप चाहें तो कोई भी वहाँ से आप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, तो बट हम यहाँ पर नॉर्मल खुद से कंटेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी साइट का टाइटल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रखूँगा नीज पेन रिलीफ, और साइट का नाम भी वही रखेंगे, और यहाँ से अपना टाइटल कॉपी करेंगे ब्लॉग पोस्ट का, इधर वो वाला टाइटल आपको पेस्ट करना है। तो काफ़ी अच्छे से ये टाइटल हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। अब इसमें क्या है कि आपका ये वेबसाइट बन जाएगा, आपको अगर नई पोस्ट यहाँ पर डालनी होगी, देखो अभी हम अपना यहाँ पर आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, अपना नॉर्मल जो ब्लॉग पोस्ट हमने क्रिएट किया है, तो अब हमें चाहिए यहाँ पर इमेज, तो यहाँ पर इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे, और इमेजेस जो है आप कहीं से भी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पैक्सल है, पिक्साबे है, बहुत सारी स्टॉक वेबसाइट है, वहाँ से आप सर्च करके ले सकते हो, अच्छी खासी क्वालिटी इमेजेस आपको मिल जाएंगी। ओके, इमेज के बाद हम टेक्स्ट लेंगे यहाँ पर, और जो हमारी ब्लॉग पोस्ट है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और ये जो हेडिंग्स है इनको इधर आप हेडिंग में कन्वर्ट करोगे, एंड फिर से यहाँ पर अपन एक इमेज अपलोड करेंगे। अब गाइस यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने अपना पूरा ब्लॉग पोस्ट जो है वो पेस्ट कर दिया है, इसमें कुछ इमेजेस भी हमने लगा दी हैं, बट ये जो ब्लॉग पोस्ट है वो क्वेरी बेस्ड है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में इधर हमने कोई भी बात नहीं की है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन कीवर्ड को टारगेट किया है, उसके लिए हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो हमने दे दी है। अब हमें अपने प्रोडक्ट को सिर्फ इसके साथ लिंक करना है, इसके लिए आप नॉर्मल कॉल टू एक्शन भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर, ना कोई पॉइंट बना के कि भाई इस प्रोडक्ट को भी आप चेक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, ऐसा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रख सकते हो, और इसके अलावा सेल्स पेज से आप कोई प्रोडक्ट की इमेजेस भी ले सकते हो, जैसे कि ये वाली इमेज है, एंड यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोडक्ट की इमेजेस आपको मिल जाएंगी सेल्स पेज पर, तो उनका भी आप यूज कर सकते हो। मैं इमेज वाले ऑप्शन का यूज करूंगा, तो यहाँ पर अपन अपलोड करेंगे। अभी आर्टिकल बाकी है थोड़ा सा,
एंड हम बीच में यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ से एक इमेज अपलोड करेंगे। ये देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इसके बारे में हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जो भी यूजर इस इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है वो इसको देख के ही समझ सकता है। अब नीचे आप यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने सिंपल सा लिखा है, क्लिक हियर टू चेक एज लेस नीज, जो भी हमारे प्रोडक्ट का नाम है। अब इसको यहाँ पर सेंटर करेंगे, बोल्ड करेंगे, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर हमें लगाना है अपना लिंक। तो वापस चलेंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वहाँ से आपको अपना एफिलिएट लिंक लेना है। ओके, तो यहाँ पर क्रिएट होप लिंक पे क्लिक, यहाँ पर क्रिएट होप लिंक पे क्लिक किया मैंने, और ये हमारा लिंक है, इसको कॉपी करेंगे और इसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और अपना लिंक यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखो लिंक इसमें लग गया। अब आपका जो बाकी का टेक्स्ट बचा हुआ है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखो ये पूरा अपना आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें प्रोडक्ट भी हमने लिंक कर दिया है। अब इसमें दो तीन चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, तो यहाँ पर वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हम इसको पब्लिश करेंगे, हमारी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे, इसके साथ साथ हमारी ये जो पहली ब्लॉग पोस्ट है ये भी पब्लिश हो जाएगी। तो आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या होगा? तो हमारी जो वेबसाइट का नाम है वही हम एड्रेस रखेंगे। ओके, नीज पेन रिलीफ, और ये जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन टू नॉट डिस्प्ले माई साइट, इस पर टिक आपको नहीं करना है। ठीक है, जैसा है ये देखो एनीवन पे रहना चाहिए, हु कैन व्यू माई साइट, सभी देख सकते हैं। इतना सा आपको काम करना है, इसको पब्लिश कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आपकी एक तो वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है, गूगल इसको देख सकता है, सर्च इंजन में इंडेक्स हो सकती है, जो कि बेहद ज़रूरी है। दूसरी चीज़ की हमने जो ब्लॉग पोस्ट इधर क्रिएट की है वो भी यहाँ पर पब्लिश हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, व्यू पब्लिश्ड साइट, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कोई भी अपनी वेबसाइट पर आएगा तो उसको ऐसा दिखेगा, ये है हमारी ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पर देखो। और ये होम पेज भी बन गया हमारा, ये आप देख सकते हो, इसमें प्रोडक्ट को भी हमने लिंक कर दिया है। आप इसकी ब्रांडिंग कैसे भी कर सकते हो, मैंने पूरे ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं गूगल साइट पे कि ये सब कुछ चेंज कैसे करना है, कैसे यूज करते हैं, उसको आप देख सकते हो। अभी अगर आपको और आर्टिकल पोस्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें तो मल्टीपल आर्टिकल पोस्ट करने होते हैं डेली, एक से काम नहीं बनता, 8-10 आर्टिकल डेली पोस्ट करने होंगे आपको, तो उसके लिए फिर आपको अपनी वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे और आर्टिकल पोस्ट करना है, तो वो आप कैसे करोगे? इसके लिए आपको इधर आना है पेजेस पे, यहाँ पे देखो, तो ये होम पेज है, आपको इधर प्लस पे क्लिक करना है, एक नया पेज बनाना है। अब ये जो पेज होगा वो आपके आर्टिकल का टाइटल होगा, न्यू ब्लॉग पोस्ट मैंने नाम दिया और डन कर दिया। अब आपको एक नया पेज मिल गया, ये देखो ये सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर भी ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो अपनी, ऐसे जितने चाहो उतने पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो, यानी मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। आपकी वेबसाइट बन चुकी है और एक नॉर्मल वेबसाइट से ज़्यादा पावरफुल है और जल्दी रैंक कर सकती है। तो ये हमारा होम पेज बन चुका है, ये आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है, ये भी अच्छा आर्टिकल बन गया। तो आई थिंक आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी, बस इसी प्रोसेस को रिपीट करना है आपको, और इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं बिना खुद की वेबसाइट के। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ और, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे और भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। एंड गूगल साइट पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जरूर चेक करें, आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।